दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो में नवी कक्षा की छात्रा अंजलि ने ऐसी बैसाखी तैयार की है जो हाईटेक सुविधाओं से युक्त है और समय आने पर कुर्सी में भी तब्दील हो जाती है। इस बैसाखी में खास बात यह है कि इसे लेकर चलने फिरने वाले का लोकेशन भी उनके परिजनों को आसानी से मिल सकता है। वह कहां किस रास्ते से गुजरकर जा रहा है, कहां पहुंचा है, यह सब उसके परिजन घर बैठे देख सकते हैं। यही नहीं, आपात परिस्थिति में इससे परिजनों को सीधे कॉल भी लगाया जा सकता है। अंजलि ने बताया कि इसमें वह सेंसर, MCU, सिम कार्ड आदि इंस्टॉल कर ऑटोमेटिक कॉलिंग की भी सुविधा दे रही है। चलते चलते अगर व्यक्ति गिर जाए तो उस समय बैसाखी पर पड़ने वाले अप्रत्याशित झटके का पता लगाकर सेंसर की मदद से खुद ब खुद परिजनों को फोन लगाया जाएगा। इसके लिए उसने MCU में कंप्यूटर कोडिंग से जरिए संबंधित फोन नंबर को फीड किया है। ऑटोमेटिक कॉलिंग सेंसर के अलावा वह इमरजेंसी पुश बटन से भी कॉलिंग की सुविधा पर काम कर रही है। बता दें कि अंजलि ने लड़कियों की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक कॉलिंग वॉच भी बनाई है, जिसके लिए विगत साल ही उसका चयन इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए किया गया था। मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं DPS बोकारो में पढ़ती हूँ और मेरा चयन इंस्पायर अवार्ड्स में हुआ है। अब डिस्ट्रिक्ट एग्जीबिशन के लिए मुझे प्रोटोटाइप बनाने के लिए ग्रांट मिला है 10,000 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मैं अब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिसका नाम है ऑल इन वन हैंड क्रचेस। इस प्रोजेक्ट में मैंने एडजस्टेबल हैंड नट्स लगाए, जैसे ये प्लेन मैंने लिया था तो इसमें मैंने कुछ होल्स किए ताकि इस अपने हाइट के अनुसार सब एडजस्ट कर पाए। ऐसे जितनी आपकी हाइट है आप इसे एडजस्ट करके वहां पर इस नट को लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ छेद किए हैं ताकि ये भी एडजस्ट हो पाए आपके पैर या किसी के भी लेंथ के अनुसार। इसे हम जितने भी होल्स है उसके अनुसार अपने लेंथ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका यहाँ पर पैर पहुंच रहा है तो आप यहाँ तक इसे एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका हाइट ज्यादा हो रहा है तो आप इसे ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है।